पत्ता टूटा डाल से, ले गई पवन उड़ाए, अब के बिछड़े कब मिलेंगे, दूर पड़ेंगे जाए। महिंद्रा कबीरा फेस्टिवल के ये तीन दिन मंदिर की घंटियों, आरती के गानों और देश के बेहतरीन आर्टिस्ट की आवाज़ में कब बीत गए पता ही नहीं चला। मैंने जो इस शहर के इतिहास को सुना और समझा, गंगा किनारे इस मंच को देखा और इस शहर के बनारसीपन को महसूस किया, शायद सही ही कहते हैं, महिंद्रा कबीरा फेस्टिवल इज कबीर इन एवरी सेंस। हिमालय से अटखेलिया करती हुई आई हुई गंगा मैया नहीं है, बहुत एक स्थिर बहाव है, उसका बहाव है लेकिन वो स्थिर जान पड़ता है, हालांकि वो स्थिर नहीं है। I think Kabira Festival is a great initiative. It's a brilliant initiative which brings together people from all across the world in a place like this. और सब बैठ के कबीर के संदेशों को सुनते हैं, कबीर के संदेशों को समझते हैं, कबीर के और पास आने के रास्ते से वो बनारस के और करीब आते हैं। गंगा के तट पर ये जो कबीरा फेस्टिवल हो रहा है, ये अपने आप में एक अनूठा है, क्योंकि और जगहों में मैंने ऑडिटोरियम वगैरह में जो भी ये संगीत के कल्चर प्रोग्राम हो रहे हैं उसकी बात अलग है, पर यहाँ जो एक वातावरण है, सामने गंगा नदी है, नारायण उदय हो रहे हैं, और वो जो वातावरण है और वो जो माहौल जो यहाँ का बनारस का है, उसमें ये संगीत का प्रोग्राम, ये अपने आप में एक अलग समा बंधाए हुए है। महिंद्रा कबीरा फेस्टिवल मेरे लिए एक जर्नी रहा, एक सफ़र, ना सिर्फ दिल्ली से लेकर बनारस तक का, लेकिन एक अंदरूनी सफ़र, एक आध्यात्मिक सफ़र। महिंद्रा कबीरा फेस्टिवल एक एहसास है, एक ऐसा एहसास जो ना किसी कैमरा के शॉट में, ना किसी कागज़ पर लिखी हुई पंक्ति में कैप्चर हो सकता है। ये फेस्टिवल आपको एक्सपीरियंस करना होगा यहाँ बनारस शहर में आकर, एक ऐसा फेस्टिवल जहां आपको एक ही जगह में मिलेंगे द बेस्ट ऑफ म्यूजिक, पीपल एंड एक्सपीरियंसेस, ओनली एट द महिंद्रा कबीरा फेस्टिवल। I'm not afraid to die.
सबसे अच्छी बात यह कि एक तो शहरी आपका जो अर्बन ऑडियंस है वो जुड़ता है, युवा जुड़ता है, और कबीर से ज़्यादा आज किसी को सुने और गुने जाने की ज़रूरत नहीं. सो मोर पावर टू यू. What was the whole idea behind starting the Mahindra Kabira Festival? Why this celebration of Kabir? Why this festival to celebrate music, to celebrate the history of Banaras? We believe that it is very important to be balanced with the left brain and the right brain, for the creative juices and the rational juices. And so it was Mr. Anand Mahindra's vision that we need to blend the two for the rational thinkers to have a creative streak as well. We need to have a commitment to the art form such that it develops with our patronage. And therefore you need to select an art form that needs that kind of support. So while we make sure that the art form needs that support and we select it from that point of view, the other thing is we need it as well. जब भुला रे भाई अनोखा कि हर आर्टिस्ट, हर विजिटर, हर वॉलंटियर, हर क्रू मेंबर इतना घुल मिल हो जाता है, इतना एम्बेड हो जाता है और इतना इनग्रॉस हो जाता है महिंद्रा कबीरा में. पल्लवी, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इट्स अ फेस्टिवल. ये नहीं कि आप एक कॉन्सर्ट के लिए आ रहे हो कि आप आओगे, बैठोगे, सुनोगे, घर जाओगे. घर तो यहीं पर है सबका. सब आए हैं ये पूरा दिन, ये जो तीन दिन हमारे हम जो सेलिब्रेट करते हैं, वो तीन दिन हम एक साथ बिताते हैं. सुबह 6:30 बजे से लेके शाम रात 11-12 बजे तक एक साथ रहते, एक साथ उठते, बैठते, खाते, पीते, सुनते, मज़ा लेते हैं, सोचते हैं. एंड दैट इज़ एन एक्सपीरियंस दैट यू कॉन्ट रेप्लिकेट. वो कहीं और नहीं मिल सकता ना. उसी कारण से जब लोग आते हैं यहाँ पे, देखो हम सब शहर से आते हैं इस शहर में, वी ब्रिंग आर ट्रबल्स, आर कंसर्न्स, आर वर्क इश्यूज, पर जैसे इस नदी पे आप बोट पे चढ़ जाते हो और यहाँ पे पहुँचते हो, लगता है कि वो सब आपके पीछे बह गया. ऑल योर ट्रबल्स बह गया. कुछ होता है, कोई एक स्विच पलट जाता है और आपका पूरा मन और वो बदलाव आती है. आई थिंक दैट्स द इम्पॉर्टेंट थिंग विच इज़ वॉट द आर्टिस्ट एंड द पीपल हु कम, उनको यही महसूस होता है. जैसे वो कहते हैं ना, रोम रोम में कबीर है, हर जगह यहाँ पे कबीर है. संत कबीर एक ऐसे अनोखे और रहस्यमय कवि हैं जिनकी फिलॉसफी और सोच ना किसी धर्म तक सीमित है और ना किसी रूप तक, जिनके नाम में मंदिर और मस्जिद दोनों बने हैं, जो बरसों पुराने होकर भी आज की पीढ़ी को दिशा दिखा रहे हैं. और महिंद्रा कबीरा फेस्टिवल इसी सोच को जिंदा रखता है उन्हीं के जन्म स्थान बनारस में. मेरा ये पहला साल और शायद आने वाला हर साल यही बीतेगा महिंद्रा कबीरा फेस्टिवल में आपके सामने. जल्द ही मिलते हैं रोम रोम में कबीर.